हाउ टू इंस्टॉल गूगल क्रोम इन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, किस तरह से आप जो है वो गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप जो है वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ओपन कीजिए और आपके पास जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, जिस तरह के ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो है बेसिकली आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा जब भी आपकी विंडोज़ वगैरह जो है वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल होगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं कि गूगल क्रोम जो है उसको सर्च कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बिंग में सर्च होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्च इंजन ऑलरेडी सेट हुआ होता है। उसमें आप देखिए कि ये नीचे आपके पास जो है वो पहला रिजल्ट आ रहा है, गूगल क्रोम डाउनलोड द फास्ट सिक्योर ब्राउज़र फ्रॉम गूगल। अब ये आप डायरेक्ट URL पे भी जा सकते थे, लेकिन ये कई दफ़ा URL जो है लोगों के पास जो है वो याद नहीं रहता, या यूं कह लें कि टाइप करना मुश्किल है। तो हम जो है इस पर क्लिक करेंगे पहले ही रिज़ल्ट पे, तो ये हमें क्रोम यानी कि जहां से हम बेसिकली गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये नीचे लिखा हुआ है फॉर विंडोज़ 10 8.1 और इस तरह से 64-bit के लिए ये यहाँ पर आ रहा है। आपने डाउनलोड क्रोम पे जो है वो क्लिक कर देना है और इस तरह का पॉपअप जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जिस पे ये लिखा हुआ है कि हेल्प मे गूगल क्रोम बेटर बाय ऑटोमेटिकली सेंड इट यूजेज स्टैटिक्स एंड क्रैश रिपोर्ट्स। यानी कि कोई भी स्टैटिक्स, जिस तरह कभी गूगल क्रोम जो है वो क्रैश हो जाता है या कुछ ऐसा सीन हो जाता है, तो उसको जो है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है आप यहाँ से टिक मार्क अगर रखेंगे तो गूगल को जाएंगे। अच्छा, नीचे जो है क्योंकि हेल्प करेंगे गूगल की तो हमें अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगी। नीचे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल का बटन आ रहा है आपके सामने, आप इसको जैसे ही जो है वो क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि क्रोम सेटअप डॉट exe फाइल जो है वो बेसिकली मेरे डाउनलोड सेक्शन में जो है वो जाके सेव हो चुकी हुई है। ठीक है जी, तो अब ये देखें, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स लेफ्ट, ये नीचे लिखा भी हुआ है, आपको स्टेप्स के बारे में बता रहा है। बाय द वे यहाँ पे वो कह रहा है कि योर डाउनलोड विल बिगेन ऑटोमेटिकली इफ़ इट डिडंट स्टार्ट। आप यहाँ पे मैन्युअली भी क्लिक कर सकते हो और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड सेक्शन में जाके जो है वो सेव हो जाएगी। जिस तरह से मैंने इसे जैसे ही क्लिक किया है तो ये देखिए अगेन से जो है वो मेरी फाइल दोबारा से मेरे डाउनलोड सेक्शन में जो है वो जाके सेव हो चुकी है। इसको मैं अभी आपको जो है वो दिखाता भी हूँ। ये नीचे देखिए, ये आपके सामने जो है वो स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से आप जो है वो अपने क्रोम ब्राउज़र को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। आपको जो है वो क्रोम सेटअप डॉट exe फाइल जो है वो डाउनलोड सेक्शन में आपके जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे ही उसे ओपन करोगे इंस्टॉल करने के लिए, तो इफ़ प्रॉम्प्ट क्लिक इंस्टॉल एनीवे पे आप क्लिक करोगे एंड येस ऑन द सिस्टम डायलॉग्स, यानी कि आप जो है वो इस तरह का पॉपअप आपके सामने खुलेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे देखिए कि वेट फॉर इंस्टॉलेशन टू फिनिश, क्रोम विल ओपन ऑटोमेटिकली व्हेन इट्स डन। यानी कि जैसे ही आप उस सेटअप को चलाएंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं अपने फोल्डर पे चला जाता हूँ डाउनलोड्स के, तो ये देखिए डाउनलोड में ये मेरे पास जो है वो दोनों exe फाइल्स जो है वो आके सेव हो चुकी हैं, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि exe फाइल्स जो है वो मेरे डाउनलोड सेक्शन में सेव हो गई हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो यस करने के बाद ये देखिए मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है बेसिकली वो डाउनलोड भी हो रहा है और इंस्टॉलेशन जो है उसकी भी जारी है, जारी हो जाएगी। 16 seconds रिमेनिंग है, डाउनलोडिंग हो रही है, क्योंकि मैंने ये आपके सामने जो है वो डाउनलोड किया था वेबसाइट से, तो ये अभी मेरा जो है क्रोम ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो इस तरह से वेट इंस्टॉलर जो है इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए मेरे सामने क्रोम ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल हो रहा है और कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स ये लेता है। अच्छा, यहाँ पे वो देखिए कह रहा है कि दिस कंप्यूटर ऑलरेडी हैज़ more recent version of Google Chrome. This software is not working. Please uninstall Google Chrome and try again. Basically, मेरा क्योंकि ये देखिए ये नीचे मेरे पास जो है वो Google Chrome खुला भी हुआ है आपके सामने, तो मैंने पहले ही जो है वो इंस्टॉल कर लिया हुआ था, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। और इस तरह से बेसिकली आप जो है वो अपना क्रोम ब्राउज़र जो है वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बड़ी आसानी से जो है वो सेव कर सकते हो।
बाय द वे, अगर आप कुछ गैजेट्स में इंटरेस्टेड हो, मोबाइल की गैजेट्स या कोई भी गैजेट्स जो आपको पसंद आए, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके कोई भी गैजेट जो है वो ख़रीद सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सो इस तरह से आप जो है वो बाय द वे क्रोम को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।